क्वेश्चन नंबर 11। अभी ये देखो, वाचन कमेंस बिजनेस एज फूड मर्चेंट ऑन 1 जनवरी 2013। जनवरी में अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो खत्म कर लिया 31 दिसंबर 2013। ठीक है, अभी तक कैपिटल 20,000, तो ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया? 20,000। अच्छा, ऑन द सेम डे परचेज फर्नीचर एंड फिटिंग कैश 8,000, ये कहाँ जाएगा एसेट्स में? तो वहाँ पे लिख लो ए एसेट्स फॉर कैश फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑप्टेन फ्रॉम हिज बुक्स बैक बुक्स केप्ट बाय सिंगल एंट्री यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2013 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, सेल्स एक्स इंक्लूसिव ऑफ कैश 20,000। ठीक है, तो टोटल सेल्स कितना है? 40 है, उसमें से कैश सेल्स कितना है? 20। तो क्रेडिट सेल्स कितना हो गया? 20। समझ रहे हैं ना? ठीक है, परचेस इंक्लूसिव ऑफ कैश 12,000। टोटल हमने परचेस कितने का किया? 34,000। तो उसमें से 12,000 कैश में, बाकी का क्या हो गया? क्रेडिट में, यानी बाकी के लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स आएगा। ठीक है, वाचन ड्राइंग, तो ये कहाँ से? कैपिटल में से माइनस होगा, है ना। सैलरी टू स्टाफ, बोलो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसके बाद क्या? वाचन टुक फूड वर्थ ₹1,000 फ्रॉम द शॉप फॉर प्राइवेट यूज। तो ये क्या हो गया? ड्राइंग हो गया, वो भी किसका? फूड का ड्राइंग है, है ना। इसकी दो इफेक्ट होगी, एक तो ड्राइंग और दूसरा क्या होगा बोलो? दूसरा क्या होगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, अगला क्या है? पेड 400 टू हिज सन, 400 रुपये, ये भी क्या हो गया? ड्राइंग हो गया बाद में। बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन हिज बुक्स ऑन 31 दिसंबर। द संडी डेटर्स वर 10,400, संडी क्रेडिटर्स 7,200, स्टॉक इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 13,000। ठीक है, तो अपने को क्या क्या अकाउंट एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा? मतलब डेबिट क्रेडिट कैश और बैंक अकाउंट आपको डेटर्स बनाना पड़ेगा। डेटर्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे इसको हैंडल करेंगे देखते हैं। अभी स्टार्ट से करें, पहली लाइन में क्या था? कैपिटल कितना लाया? 20,000। तो कैश आया भी ना, कैश की डेबिट में क्या आएगा? टू टू कैपिटल अकाउंट कितना? 20,000। फिर 8,000 का इसने क्या खरीदा है? फर्नीचर एंड फिटिंग। तो फर्नीचर एंड फिटिंग क्या होता है? एसेट्स होता है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना? तो ये 8,000 क्या है? गया भी तो होगा ना, खरीदा मतलब पैसे गए, किधर आएगा? क्रेडिट में। बाय फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना? 8,000। क्लियर है? उसका देखो सेल किया हमने, तो लिखते हैं फिर ट्रेडिंग में लिखेंगे ना, बाय सेल्स कितना है? टोटल सेल्स 40,000। ये हो गया। अब इसमें ना कैश सेल्स कितना किया? सेल करके तो बताओ मुझे, पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट और करेंसी, तो टू कैसे ही पैसा आया? सेल्स है, तो सेल्स अकाउंट कितना? 20,000। क्लियर है? लेकिन हमने उधारी पे भी खरीदा है, उधारी पे खरीदा तो क्या एंट्री मारते हैं पता आप लोगों को? सेल्स की क्या एंट्री होती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना।
तो डेटर्स किधर है? ये रहा तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? क्लियर नहीं है सबको? फिर नेक्स्ट अभी क्या है? परचेज, परचेज कहाँ लिखते हैं बोलो? ओपनिंग स्टॉक होगा क्या ये क्वेश्चन के अंदर? क्यों? क्योंकि न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? लास्ट ईयर का क्लोजिंग है ना, क्योंकि ये ओपनिंग नया बिजनेस है इसके लिए ओपनिंग नहीं होगा। तो परचेस कितना? 34 वो लिखा हमने। फिर परचेस में कैश परचेस कितना किया? 12,000। तो परचेस करते तो देखो सेल में पैसा आता है तो परचेस में पैसा आएगा, तो बाय क्या लिखोगे? परचेस लिखो 12,000। और कुछ परचेस हमने कैसे किया? उधारी पे। तो 34 में से 12 गया तो कितना आएगा? 22। तो 22 किधर आएगा? क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में। बाय क्या लिखोगे? परचेज रखोगे कितना? बाय। समझ में आया कुछ? फिर नेक्स्ट अभी क्या दिया है? वाल्सन्स ड्राइंग। ये काय का ड्राइंग हमको नहीं पता, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? क्या कंसिडर करेंगे? कैश ड्राइंग करेंगे। इन लोगों ने क्या किया हुआ? कैश ही काउंट किया। तो वाल्सन ने ड्राइंग किया ना, तो कैपिटल में से क्या होगा? लेस ड्राइंग्स। ठीक है, और भी कुछ ड्राइंग है तो इसको हम लोग पहले क्या लिखते हैं? साइड में लिख देते हैं। ठीक है, और ये कैश ड्राइंग में कैश आता नहीं जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो कैपिटल में पैसा आता है और ड्राइंग में पैसा जाता है। 2400 सैलरी को स्टाफ दिया, सैलरी को स्टाफ दिया बोलो, स्टाफ को सैलरी दिया कहाँ आएगा? 3-4 लाइन छोड़ दो, बाद नीचे लिखो टू सैलरी टू स्टाफ कितना है बताओ? सैलरी दोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में। कैश क्रेडिट वॉट गोज आउट सैलरी कितना? 3600। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? बैड डेब्ट्स रिटन ऑफ। बैड डेब्ट्स क्या होता है? अपने लिए एक्सपेंस है, तो कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंस नहीं, एक्चुअल लॉस है। बैड डेब्ट्स कितना है? 1000। बैड डेब्ट्स किसके रिलेटेड होता है? डेटर्स के रिलेटेड होता है। ठीक है, डेटर्स को जब माल सेल करते तो डेबिट में, डेटर्स कुछ देता है हमको तो क्या होगा? क्रेडिट में आएगा। यहाँ पे हमको लॉस दिया तो बाय क्या? बाय बैड डेब्ट्स कितना? क्लियर है? फिर नेक्स्ट अभी क्या है? बिजनेस एक्सपेंस 1400। बिजनेस एक्सपेंस 1400। एक्सपेंस है यानी पैसा जाएगा, तो बाय बिजनेस एक्सपेंस 1400। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या है? वाल्सन टू फूड वर्थ रुपीज 1000। देखो इसका क्या का बिजनेस है? फूड मर्चेंट है ना, यानी फूड का व्यापारी है, खाने का व्यापारी है। ठीक है, तो बिजनेस से गुड्स अगर किसी भी तरीके से बाहर गया तो उसको हम लोग किधर लिखते हैं? उसकी एक इफेक्ट कहाँ आती है? ट्रेडिंग के ट्रेडिंग साइड। समझो ये ट्रेडिंग है, ऊपर ट्रेडिंग है, नीचे क्या है? प्रॉफिट है। तो बाय ड्राइंग लिखो काय का फूड लिखा कितना है? 1000। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो ड्राइंग है, तो बाकी का ड्राइंग में ही ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अभी क्या है? पेड 400 टू हिज सन। 400 जो उसने अपने बच्चे को दिया, तो ये 400 और पैसा है ना, पैसा दोगे तो आएगा कि जाएगा? जाएगा। ड्राइंग बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन, तो वो ओमिट किया मतलब भूल गया, तो हमने रिकॉर्ड किया। फिर नेक्स्ट क्या? ऑन 31 दिसंबर सन्डिक डेटर्स
वर्क 10,400। देखो यहाँ पे डेटर्स की ना क्रेडिट बैलेंस मतलब सॉरी क्लोजिंग बैलेंस दी हुई है, तो हमको क्लोजिंग बैलेंस फाइंड ही नहीं करना है। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस डेटर का किधर लिखते हैं? डेटर्स का कितना? 10,000। ठीक है, और डेटर्स का ओपनिंग किधर आता है? डेबिट में। तो क्लोजिंग किधर लिखेंगे? क्रेडिट में। तो क्या लिखोगे? बाय करेंट बैलेंस कितना? 10,400। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद क्रेडिटर्स का भी ऐसे ही दिया हुआ है 7,200। तो क्रेडिटर्स किधर आता है पता है ना? 7,200। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग किधर आता है? क्रेडिट में। तो क्लोजिंग किधर आएगा? टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 7,000। स्टॉक इन द हैंड ऑन December 31st वॉज 13,000। की क्लोजिंग में जो स्टॉक होता है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। जल्दी को आप बुझी को रात कहते हैं। सॉरी 13,000। और सेकेंड इफेक्ट हो गया ये। सबसे इसको टैली करने के पहले हम लोग क्या करेंगे? बाकी के लेजर को टैली करेंगे। क्या इसको टैली करेंगे? कैश का ऑलवेज कौन सा बैलेंस ज्यादा होगा? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। यहाँ पे डिफरेंस आ गया। ये कैश का बैलेंस है। कैश का होता है एसेट्स होता है। तो ये कहाँ आएगा? एसेट्स में। कैश ऑन बैंक 12,200। ठीक है, फिर इसका डेटर्स को टैली करो। देखो डेटर्स को टैली नहीं करना, अभी हमें ये फाइंड करना है कि डेटर्स हमें कितना पैसा मिला। ठीक है, तो कितना पैसा मिला मतलब ये हमें अभी टैली नहीं करना था। ठीक है, छोड़ दो। यहाँ पे भी कितना लिखोगे? 20,000। डेटर्स का आपने कितने का माल भेजा? 20,000 का। उसमें से अभी भी कितना लेने का बाकी है? 10,400। 1,000 का वेटेज हो गया, तो इसका मतलब बाकी का पैसा हमको मिल गया होगा ना। ठीक है, तो 20,000 माइनस 11,400, 8,600। इसका मतलब डेटर ने हमको 8,600 दिया है। बाय का लिखोगे? कैश और बैंक। ठीक है, सर्कल क्या मतलब? वो बैलेंसिंग पीरियड है। ठीक है, टू डेटर्स में क्या लिखा? कैश और बैंक। तो कैश और बैंक में क्या लिखोगे? डेटर्स। इतना 8,000 क्लियर है सबको? वैसा ही इसका भी करना है, क्रेडिटर्स का भी। देखो क्रेडिटर्स क्रेडिट है 22,000 से, इसका मतलब उससे हमने माल परचेज किया 22,000 का। ठीक है, और अभी भी उसको कितना देने का बाकी है? 7,000। अब जब आपने 22,000 का माल खरीदा तो आपको देने का कितना बाकी है? 22,000। तो 7,200 कैसे देने का बाकी? इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ पेमेंट किया रहेगा, उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो हमें लिखना है। समझ में आए? 22,000 मेरे को भरोसा नहीं। 14,800। यहाँ पे क्या लिखोगे? टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये टू लिखा तो यहाँ पे क्या होएगा? बाय। किसके बुक में गए थे हम लोग? क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना? 14,000।
48,000 ये कितना होगा? 48,600 48,600 है ना? कैश बैंक फाइनली कितना है? 6,000। अब उनको क्या फाइन करेंगे? ये कितना है? 54। 34 माइनस करोगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना? 20,000। ऊपर से कितना माइनस करना है? 3,1,4,6 14,000 का प्रॉफिट है। 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। प्रॉफिट बैलेंस शीट में क्या करते हैं? ऐड करते हैं, बट उसके पहले ड्राइंग माइनस करना होगा। ड्राइंग कितना? 3,800 16,200। इसमें क्या ऐड करोगे? नेट 14,000 और ये हो जाएगा 30,000। बैलेंस शीट को टैली करो, देखो हो जाएगा 37,400। 8, 3, 11, 6, 17, 37,000। टैली ठीक है, समझ में आया कुछ?